हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट प्रशांत। अब हम लोग देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चंस कुछ। अभी तक हम लोग ने एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर दो क्वेश्चन किए, वो भी एकदम बेसिक थे। अब हम लोग आगे करेंगे आपके क्वेश्चंस जो आपके आगे एग्जाम में आते हैं। यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग ने 1 2 3 4 4 क्वेश्चन लिए हैं। बेसिकली मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ आपके कंसाइंस बुक से, जो आपके मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, ICSE स्कूल्स में जो प्रिफर की जाती है। एक ML अग्रवाल और एक कंसाइंस, दैट इज सेलिना पब्लिकेशन की है और आपकी ML अग्रवाल। तो हम लोग सेलिना से अभी लेके चल रहे हैं कंसाइंस से, फिर बाद में ML अग्रवाल के भी हम लोग क्वेश्चंस कुछ वहाँ से भी एक्सरसाइज को उठाएंगे। बेसिकली मैं कोशिश ये करूँगा सेलिना का पूरा आपको यहाँ पे सारे सारे क्वेश्चन का ऑलमोस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। जैसा भी होता है फिर हम लोग आगे देखते हैं, बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम शायद मैं न दे पाऊँ, लेकिन यहाँ पे मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूंगा। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। हम लोग ने 1 2 जो अभी दो क्वेश्चन हम लोग ने इसके नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में किए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम टिप्स के साथ जो किए हैं, वो इसी का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन था। अब इसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, दैट इज आपकी सेलिना बुक का। यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो ये 3 है, 3 में देखेंगे अ लेडर इज प्लेस अलोंग अ वॉल। यहाँ से बात को समझना, एक लेडर मतलब सीढ़ी इस प्लेस अलोंग अ वॉल। सपोज आपकी ये जो बोर्ड है, ये सपोज ये आपका वॉल है तो, और ये लेडर है तो इस तरीके से इसमें प्लेस होता है अलोंग अ वॉल, सच दैट इट्स अपर एंड इज रिजल्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। और इसका जो अपर एंड है वो क्या, वर्टिकल वॉल के मतलब जैसे अभी मैंने बताया था, ये वर्टिकल वॉल के इस तरीके से अगेंस्ट में खड़ा, मतलब इसका सपोर्ट लेके इस तरीके से खड़ा है। द फुट ऑफ द लेडर इज 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल। जो आपका वॉल है वहां से 2.4 मीटर की दूरी पे उसका फुट है। अब हम लोग सब कुछ छोड़ के यहाँ पे सीधा डायग्राम पे आएंगे, केयरफुली डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, वहां से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अ लेडर इज प्लेस अलोंग अ वॉल, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, वॉल, ये वर्टिकल वॉल बना ली, सच दैट इट्स अपर एंड इज रिजल्टिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल। द फुट ऑफ द लेडर इज 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल, ये आपका वॉल बन गया। अब हम लोग ने क्या कर दिया, इसी का सहारा लेके ये लेडर प्रेस कर दी, इसी का सहारा लेके ये आपकी लेडर हो गई। अब हम लोग ने क्या किया, इस वॉल का यूज करते हुए यहां से हम लोग ने एक लेडर प्लेस कर दी और इसकी डिस्टेंस हम लोग बता दी कितनी है, 2 पॉइंट, दैट इज आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्या है, 2.4 फ्रॉम दी वॉल, 2.4 मीटर की दूरी पे है। ठीक, ये आपका वॉल हो गया। यहां से एक एक चीज को नेम दे देंगे, नेम देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ए बी और ये सी, ये आपका वॉल है, ये वाला पोर्शन वॉल हो गया, ये क्या हो गया, ये लेडर हो गया। यहां से सॉल्व करेंगे, यहां से देखेंगे अब हम लोग और कुछ और बता रहा है। हाँ, द लेडर एंड द लेडर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 68 डिग्री विद द ग्राउंड। तो ग्राउंड ये है और लेडर ये है, ग्राउंड और लेडर के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, यहां से ध्यान से देखेंगे, ग्राउंड और लेडर के बीच में 68 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहां से इसको बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से देखेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस एंगल के रिस्पेक्ट में सामने वाला साइड इसका वॉल जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेन्यूज, तो बचा हुआ साइड बेस। तो यहां से देखेंगे, टेन 68 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज आपका हमको नहीं पता है, अपॉन में बेस, दैट इज 2.4। यहां से सॉल्व करेंगे, देखिए होता क्या है, टेन 68, टेन 32, टेन 38, टेन 1072, ऐसी सारी वैल्यूज नहीं आती, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है हम लोग वही पढ़ते हैं बोर्ड में। और अगर ऐसी वैल्यूज आती भी हैं, इस क्यों आती है और क्यों नहीं आएंगी, मतलब क्यों नहीं आएंगी हम लोग, बेसिकली ये मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है कि 1068 के लिए आपको टेबल देना पड़ेगा बोर्ड को, काउंसिल को। अगर आपको टेबल काउंसिल ने दिया तो काउंसिल हर एक बच्चे को एक एक टेबल अगर प्रोवाइड करेगा तो कितने सारे बच्चे, मतलब आपके स्टूडेंट्स, कितने सारे स्टूडेंट आपके बोर्ड में बैठते हैं, और उसके बाद एक एक को अगर बोर्ड आपका काउंसिल टेबल अगर प्रोवाइड करने लगा तो कितने सारे टेबल हो जाएंगे। तो इस वजह से सिर्फ हम लोग के कोर्स में वैसे भी स्टैंडर्ड टेबल्स हैं, तो स्टैंडर्ड टेबल्स का यूज होता है। अभी क्वेश्चंस में आ जाते हैं ताकि आपको कभी कोई दिक्कत हो तो फिर ये देखने के लिए कि आपको आता है या नहीं, ये चीज समझने के लिए। तो यहाँ से 1068 की वैल्यू मैंने ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज 2.4751। तो यहाँ से हम लोग 1068 की वैल्यू रख देंगे, 2. कितना है, 2.4751,
इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में 2.4, तो यहां से हम लोग को परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल जाएगी 2.4751 इंटू 2.4। ये मीटर था 2.4, तो ये भी जब सॉल्व होगा तो यहां से मीटर आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, ये जहां तक आपका 594 और पीछे से दैट इज आपका 2 डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, दैट इज आपका 594 मीटर हो जाएगा। ये अराउंड 594 यहां से आपका मीटर हो जाएगा अगर हम लोग इसको पूरा करेंगे, लेकिन यहां से पीछे से डेसिमल लगा हो तो ये डेसिमल लगा देंगे, तो मतलब 5.94 मीटर के करीब ये आपका आंसर यहां से आएगा। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, ये इसी में देखेंगे, इसको एक बार हम लोग चाहे करके यहां से सॉल्व करके 2.4751 इंटू 2.4 दैट इज 4, ये आप कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट हम लोग करने लगेंगे तो यहां से टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम लोग देखेंगे। बेसिकली कंसेप्ट ये था कि आपकी एक वॉल दी हुई थी और इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल दिया हुआ था, और यहां से इसकी वॉल से डिस्टेंस दे दी गई थी इसके लेटर की फुट की, और उसी के रिस्पेक्ट में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 68 डिग्री। तो टेन 68 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हम लोग को नहीं पता, बेस की वैल्यू हम लोग को यहां से पता थी 2.4, उसी का यूज करते हुए यहां से हम लोग ने सॉल्व किया, तो आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू 5.94 मीटर के करीब आ रही। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, टू पर्संस आर स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर। तो सबसे बेस्ट तरीका इसको सॉल्व करने का, एक टावर बनाया, एक बंदे को आपने इधर खड़ा किया, ये आपका एक बंदा और ये दूसरा बंदा, दो बंदों को आपने खड़ा कर दिया। और उसके बाद फिर क्या बोला, टू पर्संस आर स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर, हमने देख लिया, दे ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर टू बी 30 एंड 38 डिग्री। यहां से आपने देखा ये क्या हो गया 30, और दूसरे का आप जब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 38 डिग्री। वेरी गुड, आपका यहां से डायग्राम ड्रॉ हो गया। रिस्पेक्टिवली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, यहां से क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस, आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। इफ द हाइट ऑफ द, आपको क्या चीज बता दिया है, हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, आपको क्या बता दिया गया है, हाइट ऑफ द टावर 50 मीटर बता दिया गया, दैट इज ये कितना है आपका, ये 50 मीटर। अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां से करेंगे क्या, देखिए यहां से आप बहुत केयरफुली इसको ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज ए बी सी और ये डी, यहां पे है क्या, ए सी डी एक अलग ट्रायंगल है और सी डी बी एक अलग ट्रायंगल है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल हैं और दोनों को एक साथ ज्वाइन किया गया है, और हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे और बाद में दोनों को मर्ज कर देंगे। इन दोनों ए और सपोज ये पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में आपको डिस्टेंस बतानी, बहुत केयरफुली यहां से देखेंगे करना क्या है, टेन 30 का यूज करते हुए और ये 50 मीटर का यूज करते हुए हम लोग एडी सॉल्व कर लेंगे। यस, एडी निकल गया। अब यहां से देखेंगे, देखें यहां पे ये 38 डिग्री दिया हुआ, मैंने टेन 38 की वैल्यू रखी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 38 की वैल्यू और ये 50 मीटर का यूज करते हुए डीबी निकाल लेंगे, डीबी निकाल गया, एडी प्लस डीबी इक्वल टू एबी, दैट इज उन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस है। यहां से सॉल्व करेंगे, दैट इज अगर इसमें देखेंगे इन ट्रायंगल, यहां से देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए सी डी यहां से क्या हो जाएगा, यहां से टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री इक्वल टू दैट इज परपेंडिकुलर सी डी अपॉन में ए डी, तो सी डी इक्वल टू कितना है 50 मीटर, टेन 30 डिग्री कितना है 1/√3 और ये क्या हो जाएगा अपॉन में ए डी। तो यहां से जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो ए डी इक्वल टू 50 × √3, 50 × जब रूट थ्री सॉल्व करेंगे तो 50 और 1.732, इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे जितना भी आ रहा होगा। अब ये आपका आ गया एडी, इसी तरीके से अब हम लोग इसमें निकालेंगे, इसमें निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी बी, अब यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग को पता है टेन 38 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू सी डी अपॉन में डी बी, ये चीज हो जाएगा। यहां से सी डी आपका कितना है 50 और टेन 38 0.07813 और ये क्या हो गया डी बी। तो यहां से आप जब सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका फाइनली 0.7813 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये डी बी की वैल्यू आ जाएगी और ए डी की वैल्यू,
एडी प्लस डीबी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल ए बी आ गया। होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा, यहाँ से करना कुछ भी नहीं था, ये कैलकुलेशन ये आप लोग कर लीजिएगा, बाकी आंसर ऐसे ही आएगा। यहाँ से मेथड हम बताते जा रहे हैं, आप लोग अपना आंसर नीचे मैच कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ फिर हम वहां पे चेक करेंगे किसका आंसर सही है या किसका गलत है। यहाँ से चलिए देखते हैं, यहाँ से आपका क्या था, ए सपोज एक टावर था सी डी, सी डी एक टावर था और सी डी के जस्ट इस साइड और इस साइड दो बंदे खड़े थे और दोनों, एक बंदा 30 डिग्री के एंगल से, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर उसका कितना था 30 डिग्री और दूसरे का 38 डिग्री, दोनों का यूज करते हुए दोनों की ये डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं कितनी दूरी पे दोनों खड़े हैं। जैसे दोनों की दूरी हम लोग को पता चले, सपोज ये टावर है और इधर एक बंदा खड़ा है, इस साइड एक बंदा खड़ा है, ये बीच में आपका टावर है, टावर से इसकी डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं अगर टावर की हम लोग को हाइट पता है बहुत इजीली और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पता है। सेम इसी तरीके से ये आपका टावर खड़ा है, ये बंदा खड़ा है, इन दोनों के बीच में हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग को पता है और इसका हाइट आपको पता है, तो इसका आप बेस फाइंड कर सकते हो, ये वाला बेस और ये वाला बेस, दोनों बेस को जब ऐड करोगे तो टोटल दोनों बंदे कितने दूरी पे खड़े हैं ये हमको पता चल जाएगा।